हमारी डिमांड ये है, जो हमारे कच्चे कर्मचारी भाई है उन्हें 20-20 साल हो गए, उन्हें पक्का नहीं करा गया है और उनकी तनख्वाह काट दी गई है। बड़े ही शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए, जो इनके नुमाइंदा बैठे हैं निगम में, सरकार जो है जो 15 साल से कार्य कर रही है, यह बार बार हमें आश्वासन दे रही है, न यह हमें पैसा दे रही है और न हमारे कर्मचारी को यह पक्का कर रही है। हमारी मांग सिर्फ दो ही रहेंगी, जो हमारे कर्मचारी 20-20 साल से ये पक्के नहीं हुए, जब तक यह कर्मचारी हमारे भाई पक्के नहीं होंगे, हम इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। दूसरी बात यह है हमारी कि जिन भाइयों का कर्मचारियों का पैसा है, हमारे कर्मचारी भाई रिटायरमेंट हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा, मात्र 60 साल की सेवा करते हुए भी एक चेक दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का। वो उसे क्या करेगा, उसे अपने घर में किसी कोई क्या कर सकता है, कोई आदमी वो कर्ज बंद हुआ पड़ा है, वो आदमी उसकी मन में इच्छा ये होती है कि मैं रिटायरमेंट होऊंगा, अपना मकान बनाऊंगा, अपने बेटे की शादी करूंगा, बेटी की शादी करूंगा। लेकिन ये मोदी सरकार, ये निगम की सरकार, इतनी निकम्मी सरकार है, हमारे कर्मचारियों को सिर्फ दलित मान रही है और हमें दलित की नजर से देखा जा रहा है। ये जो सरकार है ये पक्षपाती सरकार है, ये ब्राह्मणवाद सरकार है, ये पैसों वालों की सरकार है, ना कि मजदूरों के हित के कार्य करती है। ये अपने मन की मानी करती है, आरएसएस का इसका एजेंडा है, आरएसएस के कार्य करती है। जो हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान दिया है, इन्होंने यह संविधान जलाया है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता थे, वो जो जिन्होंने वहां पर चलाया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और हम ऐसे शख्स के, ऐसी पार्टी के लिए हम जोर पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे वो निकम्मी सरकार बीजेपी की हो, हमें वो बदलनी होगी, हमें वो अलग जगाना होगा, हम घर घर जाएंगे, लेकिन हम इस मोदी सरकार को निस्तर नाबूद करके रहेंगे हम। यह हमारे कर्मचारी भाई बहनों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, हम धोखा खाते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, अब हम धोखा नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ये मजदूर भाई है, ये पढ़ा लिखा वर्ग है, बाबा साहब ने जो हम अधिकार दिया है, उस अधिकार से ये लोग पढ़ चुके हैं, ये लोग समझ चुके हैं सरकार की रणनीति को कि मोदी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, ये हमें निस्तर नाबूद कर रही है, हमें फिर दोबारा उस पिछले वर्गों के साथ में, हमें जो पिछले वर्गों में हमें गिनती करती है, हमारी कुछ नहीं मानती है सरकार। ये ऐसे है लोगों की सोची समझी मखी में, जितने भी दलित भाई है उन्हें खत्म करो, उनकी संख्या खत्म करो, चाहे गटर के रूप में करो, चाहे पैसे ना दे करके करो। मैं ऐसी सरकार का, ऐसे अफसरों का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ जिन्होंने उन्हें उसके गटर के अंदर उतारा है, क्योंकि वो भी हमारे भाई थे। उन भाइयों के कम से कम दिल्ली सरकार और राज्य सरकार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में होनी चाहिए। साथियों,